नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन से बात करते हैं पहली खबर से। तो अब 3 दिन में मिलेगा बिजली का नया कनेक्शन, केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन को दी है मंजूरी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 जो है इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसे अब जो बिजली उपभोक्ता जो उनको नए बिजली कनेक्शन के लिए ज्यादा दिनों का टाइम जो है ज्यादा दिनों तक इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। संशोधित नियमों से उपभोक्ताओं की जो अधिक रीडिंग की शिकायत जो है उसका समाधान भी हो जाएगा। ई वाहन की चार्जिंग के लिए जो है अलग से कनेक्शन लिया जा सकेगा। वह संशोधित नियमों के मुताबिक नए बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो है अब 3 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन जो है मिल जाएगा। पहले ये 7 दिन में मिलता था, वही नगर निगम वाले शहरों में जो है जो म्यूनिसिपल एरिया जो है उसमें बिजली का नया कनेक्शन 15 दिन की बजाय 7 दिनों, ग्रामीण इलाकों में 30 दिन की जगह 15 दिनों में मिलेगा। हालांकि पर्वतीय ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या फिर मौजूदा कनेक्शन में बदलाव की अवधि को 30 दिन ही बरकरार रखा गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मोदी सरकार के लिए आई है खुशखबरी, एक ही दिन में मिली है 2 बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार के लिए बहुत यहाँ पर बड़ी खबर है। दरअसल कहते हैं कि मोदी सरकार के लिए गुरुवार को एक ही दिन में 2 खुशखबरी आई है। दरअसल ये देश की इकोनॉमी की तेजी की रफ्तार जा रहने का संकेत यहाँ पर दे रही है, वो भी ऐसे समय जबकि दुनिया पर जो है मंदी का खतरा जो है मंडरा रहा है। जापान, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में मंदी दस्तक देती है। वह पहली गुड न्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल ब्रोकरेज फ्रॉम जेफ्रीज की ओर से दी गई है, तो वही दूसरी जो है एसएसबीसी जो है उसकी ओर से आई है। दरअसल पहली खुशखबरी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफ्रीज की ओर से यहां पर आई है, जिसने इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है। जेफ्रीज के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बढ़ रही है, वही तेजी से बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। इसको लेकर जो है उन्होंने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है 2027 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था 3री बड़ी शक्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो यहाँ पर उनकी ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक जो है 2027 तक भारत 3री जो है आर्थिक शक्ति जो है बन जाएगी। इसके अलावा दूसरी की अगर बात करें तो जेफ्रीज इंडिया के एग्जीक्यूटिव जो है महेश नोंदूकर के माने तो 10 साल में इंडियन इकोनॉमी में बड़ा चेंज देखने को मिला है और देश की GDP 7% जो है CAGR की ओर से तेजी से जो है वो बढ़ रही है और ये जल्दी जो 2027 तक जो है 5 ट्रिलियन को ये पार यहाँ पर कर जाएगी, यानी 5 ट्रिलियन हो जाएगी। वही बात कर लेते हैं गवर्नमेंट के लिए दूसरी खबर की। तो उसमें रिटायर्ड के सर्वे में सामने आया है कि फरवरी में भारत की बिजनेस एक्टिविटीज में जोरदार तेजी देखी जा रही है, जो कि बीते 7 महीनों में सबसे ज्यादा रफ्तार है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में डिमांड मजबूत रही है और ग्रोथ को समर्थन इसमें मिला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आम आदमी के लिए राहत वाली खबर, देखिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। चुनाव की तारीखों से पहले जो है आम आदमी के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में जो है वो कटौती की जा सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले जो है पेट्रोल डीजल के दाम घटने वाले हैं। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों के स्टॉक में जारी तेजी का ब्रेक जो है वो लग गया है। वही बाजार को यह दिशा हो रहा है कि मार्च महीने में चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को घटाकर जो लोकसभा की जो मतलब दाम जो है वो यहाँ पर घटा सकती है। वही लोकसभा चुनाव से पहले जो है दामों में जो है गिरावट हो सकती है, वोटरों को लुभाने की कोशिश जो है सरकार कर सकती है। इस वजह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और इंडिया गठबंधन से सफलतापूर्वक हो रहे सीटों के बंटवारे भी इसमें शामिल है। वही राहुल गांधी जो है मणिपुर से मुंबई तक यात्रा पर निकल गए हैं और वे लगातार सरकार की ओर से महंगाई पर हमला यहाँ पर कर रहे हैं। वही पहले इंडिया गठबंधन को सीटों के बंटवारे पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन कांग्रेस और सपा के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो चुका है। वही मोदी सरकार इसको लेकर जो है कोई भी जो है यहाँ पर जोखिम नहीं लेना चाहती, जिससे सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके और वोटरों को लुभाया जा सके। ऐसे में शेयर बाजार में ये कयास लगाया जा रहा है कि वोटरों को लुभाने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल के दाम मार्च महीने में चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले घटा सकती है। यही वजह है कि सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL के स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिली है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अमेजोन बाजार की होगी अब शुरुआत, यहां मिलेगा 700 रुपए सस्ता सामान।
अमेजोन बाजार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस बाजार में 700 रुपए सस्ता जो है वो सामान मिलेगा। दरअसल ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन भारत में एक अलग सेक्शन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम बाजार होगा, जिसमें कम कीमत वाले फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसे में लोकल ब्रांड और ट्रेडी फैशन और लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट जो है उनको खरीदवाने वालों के लिए बड़ा प्लस पॉइंट जो है साबित होगा। इसमें ग्राहकों से कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पर हर कस्टमर को शॉपिंग में बढ़िया एक्सपीरियंस मिले इसको लिए ध्यान में यहाँ पर रखता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाजार प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले प्रोडक्ट जो है उसकी कीमत में 700 रुपए जो है वो कम होगी। बिना किसी परेशानी से 0 रेफरल की डिलीवरी सर्विस जो है मिलेगी। ये प्लान जो है लाखों कस्टमर तक अपनी पहुंच बनाएगा और बिना किसी परेशानी की फ्री डिलीवरी ऑफर भी जो है उसमें की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजोन अपने नए बाजार सेक्शन में सेलर्स की भर्ती जो है कर रहा है। उन्हें कपड़े गाड़ियां और जूते गहने सामान जैसे लोकल ब्रांड प्रोडक्ट लिस्टेड करने के लिए बढ़ावा दे रहा है जिनकी कीमत 700 रुपए कम है।